यूपी के कुशीनगर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो शराब तस्करों को भी पकड़ा है। वहीं पुलिस के अनुसार पकड़े गए शराब की कीमत लाखों रुपए है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान अवैध परिवहन अवैध निष्कर्षण के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुशीनगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें हरियाणा ब्रांड शराब इलिसिट लिकर जो कि बिहार प्रांत में ले जाई जा रही थी बरामद की गई है और ये मात्रा लगभग 6000 लीटर से अधिक की है। इस संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त आजमगढ़ का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त राजस्थान प्रांत से संबंधित है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इस बरामद इलिसिट लीकर का की वैल्यू जो है वो लगभग 40 लाख रुपए की है। उल्लेखनीय है कि 14 तारीख को भी कुशीनगर पुलिस द्वारा लगभग 7000 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई थी और जिसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपए की थी और ये क्रम जारी है। अवैध मदिरा निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध कुशीनगर पुलिस लगातार कार्यरत है। घटना हुई थी और बहुत तत्काल खुलासा हुआ, क्या था? 14 तारीख को थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर में एक पिता द्वारा सूचना दी गई कि उसका पुत्र जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास है, उसका घर से बुलाकर क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर एक बोलेरो वाहन में कुछ लोग आए और उस वाहन में बैठाकर उसको ले गए। उसके बाद उनके पास एक रैंसम कॉल आई जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की गई और ये कहा गया कि आप 10 लाख रुपए का भुगतान तुरंत करें नहीं तो आपके पुत्र को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इस सूचना उसके पिता द्वारा थाना कुबेर स्थान पर सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा तत्काल इसमें घेराबंदी की गई और इसमें तत्काल कार्रवाई करने का परिणाम यह हुआ। जिस जगह से कॉल की गई थी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया और उनकी लगातार ट्रैकिंग करते हुए पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब ये जो अपहृत युवक 18 वर्षीय युवक था ये सकुशल बरामद हुआ। इस घटना को विकसित किया गया और इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये तीनों अभियुक्त उस वाहन बोलेरो वाहन में बैठ के आए थे। इसमें अभी 2 अभियुक्त शेष रह गए हैं। इस जब घटना का और गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि इसमें जो पिता है जो वादी मुकदमा है उनका उनके एक दोस्त की संलिप्तता है और उसको पता था कि ये जो पिता है ये नेक्स्ट डे अबू धाबी अपने काम के लिए जाने वाले थे और उनके जाने से पहले इस प्रकार की योजना षड्यंत्र रचकर कारित की गई जिससे कि उनके जाने से पूर्व एक बड़ी धनराशि अपहरण के नाम पे वसूल की जा सके। इसमें कुशीनगर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप अपहरण की सक्षम बरामदगी हुई है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन था वो भी बरामद कर लिया गया है। शेष 2 अभियुक्तों के विरुद्ध दबिश की टीमें गठित की गई और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।